नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में बढ़ते कोरोना संकट को लेकर सरकार ने चिंता जताई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि दूसरी लहर में एक दिन में आ रहे मामलों ने पिछले लहर के आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया है और ये लगातार ऊपर ही जा रही है, जो कि चिंताजनक है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि हालांकि अभी हर रोज मृतकों की संख्या पुरानी लहर से कम है, क्योंकि पहली लहर में एक दिन में 1114 लोगों की मौत हुई थी, जबकि इस लहर में अभी तक एक दिन में सर्वाधिक 879 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के साथ ही गुजरात में भी कोरोना को लेकर हालात बेहद खराब हैं। गुजरात में अहमदाबाद से लेकर सूरत तक से बेहद खराब तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसी भी घटनाएं हैं जिसमें लोगों को अस्पताल से अपने परिजनों का शव लेने के लिए और फिर अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक खबर के मुताबिक मनोज चावड़ा की मां पूरी बेन का निधन कोरोना के कारण सोमवार सुबह वडाज के सिविल अस्पताल में हुआ था। चावड़ा TOI को बताते हैं कि हम लोग सुबह 7 बजे अस्पताल पहुंच गए थे, लेकिन हमें शव लेने के लिए 2 बजे तक इंतजार करना पड़ा क्योंकि लाइन इतनी लंबी थी। हम ये तक नहीं गिन पा रहे थे कि कितने लोगों को उनके परिजनों के शव दिए गए और हम अपनी मां के शव का इंतजार करते रहे। भयंकर कोरोना संकट के बीच हो रहे महाकुंभ में लाखों की संख्या में लोग जुट रहे हैं, जिसको लेकर काफी आलोचना भी हो रही है। इसी बीच उत्तराखंड के CM तीरथ सिंह रावत ने एक बार फिर ऊल जलूल सा बयान दिया है। CM रावत ने कहा कि कुंभ की तुलना दिल्ली के मरकज से नहीं की जा सकती है और गंगा माँ के आशीर्वाद से यहाँ कोरोना नहीं फैल सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मरकज में सभी लोग एक बंद कमरे में थे, जबकि हरिद्वार का कुंभ क्षेत्र नीलकंठ और देवप्रयाग तक विस्तृत है। चुनाव आयोग ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 24 घंटे तक चुनाव प्रचार करने से रोक दिया। इस कार्रवाई के खिलाफ ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में स्थित गांधी मूर्ति के बाहर 3 घंटे तक धरना दिया। उन्होंने आयोग के फैसले को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक करार दिया। बता दें, चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी पर यह कार्रवाई उनके उस बयान की वजह से की जिसमें उन्होंने मुसलमानों से कहा था कि वे अपने वोट को ना बटने दें। चुनाव आयोग ने बंगाल BJP के अध्यक्ष दिलीप घोष से कहा है कि वे और होंगी सिलीकुची जैसी घटनाएं वाले बयान को लेकर अपना स्पष्टीकरण दें। उन्हें इसके लिए बुधवार सुबह 10 बजे तक का समय दिया गया है। और दूसरी ओर TMC ने कहा है कि शीतलकुची इलाके में 10 अप्रैल को ही फायरिंग में 4 लोगों की मौत के मामले में BJP की बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष के बयान के लिए उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दिलीप घोष ने रविवार को उत्तर 24 परगना के बारानगर में आयोजित एक जनसभा में कहा था, ऐसे शरारती लड़के जो समझते थे कि केंद्रीय बलों की राइफल चुनावी ड्यूटी के दौरान सिर्फ दिखाने के लिए है, वे शीतलकुची में जो गलती की उसे नहीं दोहराएंगे, ऐसा पूरे बंगाल में होगा। शीतलकुची गोलीबारी पर विवादित बयान देने वाले BJP के वरिष्ठ नेता राहुल सिन्हा के चुनाव प्रचार पर चुनाव आयोग ने 48 घंटों के लिए पाबंदी लगा दी है। ये पाबंदी मंगलवार 12 बजे दोपहर से 15 अप्रैल दोपहर 12 बजे तक जारी रहेगी। बता दें, राहुल सिन्हा ने कहा था कि शीतलकुची में 4 की जगह 8 लोग मारे जाने चाहिए थे। गोवा में BJP को झटका लगा है। BJP की सहयोगी पार्टी गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने आज भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA से अपना समर्थन वापस ले लिया। पार्टी ने प्रमोद सावंत की सरकार पर बेईमानी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के प्रमुख विजय सरदेसाई ने BJP सरकार को गोवा विरोधी नीतियां लागू करने और गोवा के अनूठे रहन सहन और तरीके पर हमला करने का भी आरोप लगाया। ऐसे समय जब 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पूरा हो चुका है और पश्चिम बंगाल में 4 चरणों का मतदान हो चुका है, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की बारी भी आ गई है। 4 चरणों में होने वाले उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2021 में 8.69 लाख से ज्यादा पदों के लिए लोग चुने जाएंगे और इसके लिए 17 लाख से अधिक उम्मीदवार मैदान में होंगे। यूपी पंचायत चुनाव 2021 4 स्तरों पर हो रहे हैं, ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत। पहले चरण में 15 अप्रैल, दूसरे चरण में 19 अप्रैल, तीसरे चरण में 26 अप्रैल और चौथे चरण में 29 अप्रैल को मतदान होंगे। वोटों की गिनती 2 मई को होगी। गोवा में BJP को झटका लगा है। BJP की सहयोगी पार्टी गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने आज भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA से अपना समर्थन वापस ले लिया। पार्टी ने प्रमोद सावंत की सरकार पर बेईमानी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के प्रमुख विजय सरदेसाई ने BJP सरकार को गोवा विरोधी नीतियां लागू करने और गोवा के अनूठे रहन सहन और तरीके पर हमला करने का भी आरोप लगाया।
एक समय देश को झकझोर देने वाले बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में पिछले साल फैसला देने वाले जज जो कि अब सेवानिवृत्त हैं सुरेंद्र कुमार यादव को उत्तर प्रदेश में उप लोकायुक्त बनाया गया है। उन्होंने सोमवार को उप लोकायुक्त पद की शपथ ली। लोकायुक्त और इसमें शामिल तीन उप लोकायुक्त भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने का काम करते हैं। आधिकारिक तौर पर जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि सुरेंद्र कुमार यादव को 6 अप्रैल को राज्यपाल द्वारा तीसरा उप लोकायुक्त नियुक्त किया गया था। कई वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में लोकायुक्त संजय मिश्रा द्वारा सोमवार को यादव को शपथ दिलाई गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से आग्रह किया है कि कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि शहर में 6 लाख छात्र बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे, 1 लाख शिक्षक ड्यूटी पर रहेंगे। बोर्ड परीक्षा आयोजित करने से कोरोना वायरस बड़े पैमाने पर फैल सकता है, मूल्यांकन के वैकल्पिक तरीके ढूंढे जा सकते हैं। बता दें कि दिल्ली में एक दिन में 13,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ की तरह उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण ने अपना भयावह रूप दिखाना शुरू कर दिया है। यूपी में संक्रमण से रोकथाम को लेकर खुद अपनी ही पीठ थपथपा रही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को उनके ही मंत्री ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रदेश की राजधानी सहित ज्यादातर बड़े शहरों में मरीजों की भारी तादाद के चलते अस्पतालों में बेड नहीं बचे हैं, तो मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए लंबी लाइनें लगी हैं और घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा को पत्र लिखकर अस्पतालों, एम्बुलेंस, जांचों की खस्ता हाल का जिक्र किया है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि लखनऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पहले तो फोन नहीं उठता था और अब जब उठने लगा तो सुनवाई नहीं होती है। भारत में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों और राज्यों से उठती कोरोना वैक्सीन की कमी की आवाज के बीच अब केंद्र सरकार ने विदेशों में बनी कोविड वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। ये प्रक्रिया उन वैक्सीन के लिए होगी जिनको विदेशों में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए इजाजत मिल चुकी है। रूस की निवेश से जुड़ी एक संस्था और वैक्सीन बनाने वाली स्पुतनिक वी कंपनी ने कहा है कि भारत में कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी के आपात इस्तेमाल को भारत की दवा नियामक संस्था से मंजूरी मिल गई है। ये मंजूरी कोरोना वैक्सीन की सिफारिश करने के लिए बनी विशेषज्ञ कमेटी यानी SEC द्वारा स्पुतनिक वी के आपात इस्तेमाल की मंजूरी के लिए सिफारिश करने के कुछ देर बाद ही आई है। इसका मतलब है कि भारत में अब कोरोना की 3 वैक्सीन उपलब्ध हो गई हैं। ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका से करार करने वाले सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का इस्तेमाल पहले से ही भारत में किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू लगाने सहित कई सख्त कदम उठाए। इसकी वजह से होटल, रेस्तरां के कारोबार को तगड़ा झटका लगा है। ऐसे में दूसरी इंडस्ट्री से जुड़े तमाम छोटे बड़े कारोबारी अब लॉकडाउन या आंशिक लॉकडाउन से डरे हुए हैं और औद्योगिक संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज के द्वारा कराए गए एक सर्वे में भी ये बात सामने आई है। ये सर्वे देश भर की 710 कंपनियों के बीच कराया गया। सर्वे में शामिल 75% CEO ने कहा कि आंशिक लॉकडाउन की वजह से मजदूरों के साथ ही सामान को भी लाने ले जाने पर असर पड़ेगा और इससे सीधे तौर पर औद्योगिक उत्पादन प्रभावित होगा। CEO ये भी मानते हैं कि सरकार को स्वास्थ्य और सुरक्षा के नियमों को कड़ाई से पालन कराना चाहिए बजाय इसके कि लॉकडाउन लगा दिया जाए। कर्नाटक में बढ़ते कोरोना संकट के बीच मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कोरोना पर चर्चा करने के लिए 18 अप्रैल को सभी राजनीतिक पार्टियों की बैठक बुलाई है। वहीं समाचार एजेंसी ANI के अनुसार उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रदेश में लॉकडाउन लगाने का कोई विचार नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने और सतर्क रहने की अपील की। तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने 14 निजी अस्पतालों को पूरी तरह कोरोना के इलाज के लिए आरक्षित घोषित कर दिया है। उन अस्पतालों को कहा गया है कि वे अब कोरोना संक्रमित मरीज के अलावा अब दूसरे रोगी का इलाज नहीं करें। इसके अलावा 19 निजी अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने 80% ICU बेड को कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित रखें। अन्य 82 अस्पतालों से कहा गया है कि वे 50% बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित रखें। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी .com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।